जीसस मेमोरियल एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 3 से लेकर 10 तक के बाल वैज्ञानिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस प्रदर्शनी को न केवल विद्यालय के छात्रों के लिए परंतु उनके अभिभावकों के लिए भी आयोजित किया गया था। इस एग्जीबिशन को देख बच्चे ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक भी प्रशंसा करते नहीं थके। बच्चों ने बहुत ही सृजनात्मक रूप से अपने अपने मॉडल्स बनाए। स्कूल की प्राचार्य पूजा एन शर्मा ने विज्ञान की प्रभुता को दर्शाते हुए कहा कि वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वैज्ञानिक उपकरणों एवं संसाधनों पर आधारित है। बाल वैज्ञानिकों ने अपनी सोच को विभिन्न रूप से मॉडल के जरिए प्रदर्शित किया। प्रकृति संसाधनों के माध्यम से किस तरह ऊर्जा की खपत को बचाया जा सकता है, किस तरह पर्यावरण की हम रक्षा कर सकते हैं। यह ज्ञान वर्धक प्रदर्शनी सराहनीय ही नहीं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इस प्रतियोगिता में सीनियर ग्रुप से प्रथम पुरस्कार अभिषेक, विवेक और सुशांत के ग्रुप ने प्राप्त किया। द्वितीय पुरस्कार भावेश कुमार ने प्राप्त किया एवं तृतीय पुरस्कार हिमांशु राज और अभित्व कुमार ने ग्रुप से प्राप्त किया। वहीं जूनियर ग्रुप से प्रथम पुरस्कार मनसाराज से प्राप्त किया, द्वितीय पुरस्कार मायर प्रैक्ट्रिक ने प्राप्त किया एवं तृतीय पुरस्कार आराधना कुमारी ने प्राप्त किया। विद्यालय के उपनिदेशक अभिषेक पैट्रिक ने बच्चों का मार्गदर्शन किया तथा ऐसी प्रदर्शनी हमेशा लगाने का आश्वासन भी दिया। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की रिपोर्ट। I have made global warming. This is deforestation and dead animals. This is melting of glaciers. etc. Thank you. मैंने ये बनाया। This is exploratory system. This shows how urine comes out from our body. This is kidney. It filters blood. And this is blood. When the blood is filtered, then the waste material comes out from our body in the form of urine. Let me show you how. थैंक यू। विज्ञान की हमारे जीवन में क्या महत्व है या किसी भी देश के विकास के लिए क्या वो रखता है महत्व, ये मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे विद्यालय में प्राइमरी कक्षा के छात्र छात्राओं ने यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं और हम लोग ने अभी देखा है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में रवाना किया गया था। तो इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि अगर बच्चों में हम लोगों को एक विज्ञान की भावना जगानी है, उनमें एक साइंटिस्ट को डेवलप करना है, तो वो एक स्कूल के माध्यम से ही हो सकता है। और हम लोगों ने, जीसस एंड मैरी अकेडमी ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को ये साइंस की प्रोजेक्ट्स दी गई थी और आज उसी साइंस के प्रोजेक्ट्स को इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया है। तो मैं अपने सारे बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं साइंस के। मैं प्राचार्य, जीसस एंड मैरी अकेडमी, पूजा अंचल। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।